आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। तो राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम को कोई मंत्र नहीं होता है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी का नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भी भजते हैं, जपते हैं। तो चलिए जानते हैं व्रत कथा। तो किशोरी जी की महिमा श्री राधा रानी बरसाने वाली है। सभी कहते हैं कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्योंकि राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली होती है। श्री राधा रानी की कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी, उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी राजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा ही कुपित हो गई थी। तो राधा जी को इस प्रकार देखकर विराजा वहाँ से नदी के रूप में निकल गई। तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने भी श्राप दे दिया। तो राजा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का ही परम भक्त बना। श्री दामा श्राप कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। तो वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उनकी भारिया श्री कृतिता थी, वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह महालक्ष्मी की तरह पवित्र थी। राधा जी की वृषभानु श्री कृतिता के पुत्री के रूप में जन्म हुई। उनकी कोख से जन्म नहीं लिया था। राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो श्री कृष्ण राधा जी को बोले, आपको अब पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वहाँ आपका विवाह रायान नामक वेश से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें विचरने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कृतिता गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। उस दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। तो जिस दिन राधा जी प्रकट हुई, उसी दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। और इस व्रत को करने से हम सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। और यह जो व्रत है, यह राधा जो जन्म ली थी राधा रानी, वो दोपहर 12 बजे जन्म लिए थे। तो उस दिन दोपहर 12 बजे को जन्म कराना चाहिए। तो इस तरह से राधा अष्टमी का व्रत कथा होती है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी या जो अष्टमी कथा जो मैंने कथा कही है, अगर ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। हरि बोल।